ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्डोमिनल हर्नियास. एब्डोमिनल हर्नियास पे क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि नेम द एब्डोमिनल हर्नियास. तो एब्डोमिनल हर्नियास वो होंगे जो एब्डोमिन के एरिया में जितने भी हर्नियाज हैं दैट आर गोइंग टू बी नोन एज एब्डोमिनल हर्नियाज, राइट. मैंने आपको जब रीजन्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला ये रीजन एपिगेस्ट्रियम होता है, उसकी इस साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है और इस साइड पे हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है. तो दैट हर्निया दैट प्रोट्रूड्स इन द एपिगेस्ट्रियम दैट इज गोइंग टू बी नोन एज एपिगेस्ट्रिक हर्निया. हर्निया दैट डिवेलप्स अराउंड द अम्ब्लाइकस दैट इज गोइंग टू नोन एज अम्ब्लाइकल हर्निया. देन अ हर्निया दैट डिवेलप्स इन द इनग्वाइनल रीजन दैट इज गोइंग टू बी नोन एज इनग्वाइनल हर्निया. रीजन फीमोरल रीजन में जो डिवेलप होगा हर्निया दैट इज गोइंग टू बी नोन एज फीमोरल हर्निया. What is incisional hernia? A hernia that a doctor gives to the patient that is known as incisional hernia. Means if a patient in the past has been operated for any any purpose like appendectomy, gallbladder or C-section, any sort of surgery. Hota hai kya hai ki after surgery abdominal wall mein weakness ho jati hai. Zahiri baat hai ek bar pet khula phir dobara se wo stitch hua to wo to jo strength hoti hai wo nahi rehti jo ek aise bande ki hogi jiski koi surgery nahi hui. To after 5 to 10 years or 2 years or 15 years bilkul usi jagah pe agar hernia develop ho jaye jahan pe aapne incision di thi jahan pe uski surgery hui thi. तो दैट पोस्ट ऑफ हर्निया इज नोन एज द इंसिजनल हर्निया. दिस पेगिलियन हर्निया यू डोंट नीड टू नो, आप बस इतने भी याद कर लोगे तो एब्डोमिनल हर्नियाज में हमें बहुत है और हेल्प करेंगे. आफ्टर दैट अब हमें बात करनी है हर्नियाज की टाइप्स की. तो बेटा इनग्वाइनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया दैट डिवेलप्स. ऑलमोस्ट 80% अक्रेंस है सिर्फ इनग्वाइनल हर्निया की. आफ्टर इनग्वाइनल हर्निया द मोस्ट कॉमन हर्निया आर अम्ब्लाइकल एंड फीमोरल हर्नियाज, फिर इंसिजनल हर्नियाज, एपिगेस्टिक हर्नियाज रेयर होते हैं. इनग्वाइनल हर्निया को बार बार पूछा जाता है तो आपको इसकी एक एक डिटेल पता होनी चाहिए. अगेन मैं यहाँ पे दोबारा दिखाती हूँ, अम्ब्लाइकल हर्निया यहाँ डिवेलप हो रहा है, इनग्वाइनल हर्निया ये इनग्वाइनल कैनाल वाले रीजन में हो रहा है और फेमरल हर्निया यहाँ पे डिवेलप हो रहा है. हर्नियाज की दो, अब पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज हर्निया, राइट. हर्निया बेटा इट इज एन प्रोट्यूजन ऑफ द सैक थ्रू द एब्डोमिनल वॉल. जब हमारे एब्डोमिन के अंदर एब्डोमिन की जो वॉल है वो वीक होती है, वीकनेस होती है एब्डोमिनल वॉल की, तो वहां से जो कंटेंट्स है ना एब्डोमिन के वो बाहर को प्रोट्यूट कर जाते हैं, बाहर को प्रोट्यूट कर जाते हैं. तो डिफाइन हर्निया इज गोइंग टू बी प्रोट्यूजन ऑफ द सैक थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इज नोन एज द एब्डोमिनल हर्निया. तो हर्निया में मैंने बताया इनग्वाइनल हर्निया सबसे ज्यादा कॉमन है, तो उसमें डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया आता है और उसमें इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया आता है, ये दो टाइप्स होती हैं. इनग्वाइनल हर्नियाज अकर्स 98 to 99% इन द मेल्स, ओनली 1% इन द फीमेल्स. यू नीड टू नो दैट इनग्वाइनल हर्निया इज अ कंडीशन विच आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द MBBS व्हेन यू आर गोइंग फॉर हाउस जॉब इन पाकिस्तान इन ईच एंड एवरी वार्ड यू आर गोइंग टू सी लाइक 3 to 4 पेशेंट्स ऑफ इनग्वाइनल हर्निया ऑन डेली बेसिस. दिस इज दैट मच इम्पॉर्टेंट टू लर्न फॉर यू बिकॉज इट इज अ कॉमन प्रेजेंटेशन, इट इज सो मच कॉमन दैट you should know because each and every doctors have to come across with the inguinal hernia on daily basis, right? तो इसलिए हर्निया के ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है. अब बात आती है कि what is direct inguinal hernia and what is indirect inguinal hernia. One thing is clear that 99% it is common in men, only 1% like पूरी लाइफ में आप शायद एक पेशेंट देख लोगे पूरी लाइफ में, जबकि रोजाना के बेसिस पे आप अगर सर्जरी में काम कर रहे हो तो 3 to 4 पेशेंट आप हर्निया के देखोगे. व्हेन यू सी द जोइस वीडियो व्हाट यू लर्न फ्रॉम द जोइस वीडियो वाज दैट व्हाट कैन बी द सिम्टम्स दैट जोई वाज ऑन द फ्लोर, यानी और अ पर्सन कम्स और वो कहता है वो उसको जब दिखाते हैं तो वो कहता है कि दिस इज हर्निया, यू नीड टू सी अ डॉक्टर. तो हर्निया कॉजेज पेन और माइल्ड डिस्कम्फर्ट स्पेशली इफ द पेशेंट वॉज एक्सरसाइजिंग या उसने वेट लिफ्टिंग की है तब उस टाइम पे. देन यू सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो व्हेन जोई
कि जो पॉस्चर था वो कैसा था, कि वो झुका हुआ पॉस्चर था, वो स्ट्रेट काम नहीं कर पा रहा था, ठीक हो गया और उसने वहाँ पे हाथ रखा हुआ था। हाथ रखने से क्या होता है कि वो जो हर्निया है वो वापस अंदर चला जाता है, यानी आप हर्निया को ऐसे मैनुअली वापस भेज सकते हो, लेकिन फिर जब दोबारा कोई एक्सरसाइज करेगा, दोबारा जब वो खड़ा होगा खड़े होने वाले पॉस्चर में, वो दोबारा हर्निया बाहर को आ जाएगा। लेकिन जैसे ही पेशेंट लेटता है या झुके हुए पॉस्चर में चलता है तो हर्निया वापस चला जाता है। अब उसके बाद ही सेड के आई थिंक माई हर्निया इज गेटिंग बेटर बिकॉज इट इज गेटिंग मोर डार्कर, बट दैट्स नॉट ट्रू। वेन हर्निया बिकम्स मोर पेनफुल एंड मोर डार्कर, दैट मीन्स नाउ हर्निया इज गोइंग टू बी स्ट्रेंगल्ड। स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द हर्निया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्निया, नॉट द सिंपल हर्निया। ठीक है, ये सारी बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें हो गई हैं। पहले हम ना हर्निया पे आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ, उसके बाद हम इन दोबारा इन्हीं बातों को रिपीट करेंगे।